स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर टू लेसन नंबर टू वीडियो लेसन नंबर टू ईयर टू ईयर को ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब हम बात करने वाले हैं हमने इससे पहले हमने पढ़ा था आपने देखा था चैप्टर वन जो आपका था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ईयर है आपका वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है एनिमल्स में ठीक है उसके बिहार पर हमने क्या किया था जो एनिमल्स को हमने क्या किया था डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया था ओके okay? नाउ अब हम मूव uh, करेंगे स्किन पे आप देखना है कि एनिमल की स्किन किस तरह की है ओके नाउ यू कैन नो हाउ रिकोगनाइज एनिमल बाई देयर ईयर्स लेट एस सी इफ़ वी कैन रिकोगनाइज एनिमल बाय स्किन तो क्या हम स्किन के थ्रू भी एनिमल्स को रिकोगनाइज कर सकते हैं या नहीं तो चलिए देखते हैं इसको तो ये देखो डिफरेंट एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक हैं उन पर स्किन नहीं दी गई है और ये आपके स्किन है एनिमल्स की तो मैच द एनिमल्स शो हेयर द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर्स टू एनिमल्स तो आप देखोगे ये आपकी जो स्किन है वो किसकी है जेबरा की ठीक है यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है ब्लैक एंड वाइट ओके ये स्किन देखोगे आपके किसकी है टाइगर की आपको देखने मिलेगी ठीक है ये देखोगे आपके किसकी है रैबिट की एंड देन आप ये देखोगे ये आपका डियर है और लास्टली आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा चीता ओके तो ये आप इस तरह से मैच कराना ओके नेक्स्ट वन द डिफरेंस पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द देयर्स ऑफ स्किन सो ये जो पैटर्न आपको दिख रहे थे एनिमल्स के स्किन पे ये पैटर्न किसकी वजह से है हेयर्स की वजह से हैव यू एवर सीन एनिमल विदाउट हेयर्स क्या कोई एनिमल्स आपने देखा है विदाउट हेयर्स हेयर्स और हुज हैव रिमूव या कोई हेयर है भी तो वो रिमूव कर दिया गया हो इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक इट इफ़ ड इफ डिड नॉट हैव एनी हेयर्स ऑन इट्स स्किन तो आप इमेजिन करो अगर कोई एनिमल्स है उसके बॉडी पर हेयर्स नहीं है तो वो कैसा देखेगा देयर वुड बी नो पैटर्न तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर कोई पैटर्नस आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर हेयर्स बॉडी पर ना हो तो ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवेन बिलो यहाँ पर कुछ एनिमल्स कैटेगरीज दी गई हैं आपको ठीक है जैसे फॉक्स है एलिफेंट है स्पैरो है तो आपको क्या करना है पुट द एनिमल्स ऑन पुट ऑफ दिन इन दिलो तो ईयरस कैन बी सीन तो ऐसे एनिमल्स तो आप आइडेंटिफाई करो जिसमें आपको ईयर्स देखने मिलेंगे तो फॉक्स में भी क्या मिलता है आप होगा आपका फॉक्स में ईयर होता है आपका एलिफेंट भी यहाँ पे आएगा आपका स्पैरो नहीं होगा आपका पिजन नहीं होगा हमें क्योंकि ये बर्ड्स हैं तो इन्टर, इनको इंटरनल ईयर्स आपको देखने मिलेगा फ्रॉग भी नहीं होगा क्रो भी नहीं है पिक भी नहीं है पिग है तो यहाँ पे थर्ड आपका पिग आएगा ओके नेक्स्ट हमारे पास है माउस तो माउस में भी आपको ईयर देखने को मिलता है तो माउस भी मिलेगा आपको देखने को कैट कैट भी हमारा इस कैटेगरी में आएगा बैफेलो बफेलो भी आएगी नेक्स्ट हमारे पास है डक डक नहीं होगा हेन नहीं होगा कैमल होगा हमारे पास तो इस कैटेगरी में आपको कैमल भी मिलेगा देखने को तो आप यहाँ पे कैमल्स को भी नोट कर सकते हो नेक्स्ट है कौ। 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 भी आएगा हमारा इस कैटेगरी में तो इस कैटेगरी में बहुत से एनिमल मिलेंगे हैज़ हेयर ऑन स्किन अब कौन कौन से एनिमल इनकी बॉडी पे हेयर्स में देखने मिलेगा बिल्कुल फॉक्स भी है यहाँ पे फॉक्स होगा हमारा ठीक है एलिफेंट देखो आप पीजन स्पैरो पीजन फ्रॉग क्रू क्रू पे फैदर होता है पिक कॉक में फैदर मिलेगा पिक पे हेयर्स मिलेंगे आपको देखने को माउस पे भी आपको हेयर्स मिलेंगे देखने को कैट पे भी मिलेगा बफेलो पे भी मिलेगा डक पे नहीं है हेंड पे नहीं है कैमल पे होगा आपका लेजर्ट काउ पे होगा आपका नेक्स्ट ईयर कैन नॉट बी सीन अब देखो ईयर किसमें किस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो आपको स्पैरो में नहीं मिलेगा इसमें ईयर नहीं होगा आपका पीजन में नहीं होगा फ्रॉग में नहीं होगा क्रो में नहीं होगा पिकॉक में नहीं होगा uh, आपका डक में नहीं होगा हेन में नहीं होगा और लेजर्ट में नहीं होगा आपका हैज फेदर ऑन स्किन तो जितने बर्ड्स कैटेगरी है जैसे आपका स्पैरो है देन आपका क्या है पिजन है देन आप देखोगे हमारे पास फेदर uh, पूछ रहे आपका तो डक डक है आपका हेन है डक हेन इन सब पे क्या होगा स्किन्स पे आपको फेदर्स देखने मिलेगा तो ये देखो मैंने ऐसे बना रखा है ईयर्स कैन बी सीन फ्रॉग एलिफेंट पिग माउस पेग माउस्ट कैमल काउ हेयर्स ऑन स्किन फॉक्स पिग माउस कैट कैमल काउ कालो एलिफेंट ईयर्स कैन नॉट बी सीन तो फ्रॉग है क्रो स्पैरो पिजन लेजर्ट जितने भी रेप्टाइल्स हैं आपके पास एम्फीबियंस एम एम्फी मतलब जो फ्रॉग है आपका वो पानी में भी रह सकता है आपका और आपका जमीन पर भी रहता है ऑन अ लैंड एंड वाटर एज वेल तो इसे बोलते हैं एम्फीबियंस तो ये आपका जो रेंगने वाले हैं जो क्रॉलिंग करते हैं इसे आप लेजर्ट ठीक है देन आपका आ, यहाँ पर आप देखो बर्ड्स यहाँ पे फेदर्स मिलेगा देखने को तो इन पर क्या होता है ईयर्स आपको नहीं दिखते हैं ओके okay? और लास्ट फैदर जितने वर्ड्स होते हैं सब पे क्या होता है फैदर्स आपको देखने मिलेगा हैंड क्रोस पैरो पिकॉक पिजन एंड डक ओके okay? इस तरह से आप क्या करना एक लिस्ट बनाना आप लोग ओके क्लास तो आपके पास टास्क क्या है इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड फैलो तो हम इस लिस्ट में काउ व फेलो किस डालते हैं काउ के ऊपर क्या होता है काऊ के बॉडी पे क्या मिलेगा आपको हेयर्स मिलेंगे देखने को तो उनको किसमें डालेंगे इन हेयर्स कैटेगरी में प्लस काउ एंड फैलो पुट इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल एलिम हेयर्स ऑन देयर बॉडी एंड एनिमल्स वॉज ईयर तो आपको ईयर भी देखने में मिलता है काउ एंडफेलो ठीक है तो ये कैटेगरी इसमें आएँगी जिनमें हेयर्स भी प्रेजेंट हैं और क्या प्रेजेंट है ईयर्स भी प्रेजेंट हैंयर्स तो सोकस दिखता है हमें ईयरस तो प्रेजेंट सब में रहते हैं इसमें ईयर्स आपको दिखता भी है फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी दैट हेयर्स ऑन देअर स्किन तो क्या आपको जो स्किन से जो हेयर्स हैं काफ़ी दूर दूर तक रहते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है आई कैन नॉट सी देयर हेयर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस बहुत ही आपको पास पास ही हेयर्स मिलेंगे ऐसा नहीं कि आपको एक मीटर का डिस्टेंस हो या दस सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तो ऐसा कुछ नहीं है हेयर्स बिल्कुल पास पास रहेंगे जैसे हमारी बॉडी में हेयर्स होते हैं ना आपके हेड पे देखोगे हेयर्स है ना तो डिस्टेंस क्या है बहुत ही बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मिलेगा आपको देखने को ट्राई टू तो गो नियर वन ऑफ देम किसी एक के पास जाओ आप कूड यू सी द हेयर्स जैसे काऊ है आपके आस डॉग है कैट है व फेलोज हैं उनके आस जाओ उनके हेयर्स पैटर्न को आप फॉलो ऑफ करो यस आई कैन सी their हेयर्स आफ्टर गोइंग near टू them। तो so, आप जब उनके पास जाओगे तो उनके बॉडी हेयर्स को ईजली आइडेंटिफाई या देख सकते हो ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है इफ़ यू व टू मीट एन एलिफेंट अगर आपको एलिफेंट से मिलने का मौका मिले तो मे बी आप में से बहुत से लोगों ने एलिफेंट को देखा होगा वुड यू डेयर टू टच इट तो क्या कभी आपने डेयर किया उसको टच करने के लिए अगर किया है तो यस ठीक है डू यू नो दैट एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर्स ऑन स्किन आपको पहले से पता था कि एलिफेंट की बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं हाँ हमने भी प्रीवियस देखा था जो कैटेगरीज बनाई थी हम लोगों ने उसमें क्या था एलिफेंट की बॉडी पे भी हेयर्स प्रेजेंट थे एज वेल एज पुट नेम ऑफ मेनी एनिमल्स इन द टेबल अबव जो टेबल मैंने आपको भी दिखाया था लेटस फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट दिम अब आप देखोगे आपके पास एक और कैटेगरीज मिलेंगी अब कुछ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो कि एक एग्लेन भी होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो बेबी बर्थ बेबी को बर्थ भी करते हैं ठीक है बर्थ देते हैं तो ऐसी कैटेगरीज हम नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा हम उस उसमें डिस्कस करेंगे तो इसको हम समराइज कर लेते हैं अभी का जो आ, आज हम लोगों ने पढ़ा ओके okay, क्लास तो नाउ यू कैन हाउ टू रिकोगनाइज एनिमल बाई देयर ईयर्स हम लोगों ने इससे पहले देखा कि एनिमल्स को कैसे हमने रिकोगनाइज किया वाइथ द हेल्प ऑफ ईयर्स लेटस सी इफ़ वी कैन रिकोगनाइज एनिमल बाय देयर स्किन अब हम देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे रिकोगनाइज करते हैं थ्रू द स्किन तो ये एनिमल्स है मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको इसको फिलअप करना है तो ये आपका स्किन पैटर्न है और ये एनिमल्स को आपको क्या करना है उसको ठीक है एरओ के थ्रू या आप उसको नेम के थ्रू क्या करना है उसको फिलअप करना कि तो ये देखो जिबरा का है टाइगर है आपका ये आपका रैबिट है डेयर है ये आपका क्या है चिता है, आपका है नेक्स्ट द डिफरेंट पैटर्न ऑफ़ द एनिमल्स आर ड्यू टू द देयर्स ऑफ स्किन जो पैटर्न आपको दिखता है वो किसके थ्रू मिलता है देखने को हेयर्स के प्रेजेंट की वजह से ठीक है हैव यू एवर सीन एनिमल्स विदाउट हेयर्स कोई एनिमल्स देखा विदाउट हेयर्स और हूज हेयर्स हैज रिमूव या किसी एनिमल्स के हेयर को रिमूव कर दिया क्या इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड वुड लाइक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर्स ऑन द स्किन ऑन इट्स स्किन तो एनिमल्स कैसा होगा दिखने में अगर उसके बॉडी पे हेयर्स ना हो तो इमेजिन करो आप देयर वुड बी नो पैटर्न तो मोस्टली क्या होगा आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा पूरी बॉडी एक ही तरह की दिखेगी तो यहाँ पे कुछ यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स की लो कुछ एनिमल्स दिए गए हैं आपको कैटेगराइज करना है किसमें एनिमल्स ईयर कैन बी सीन हैज हेयर्स ऑन स्किन ईयर्स कैन नॉट बी सीन हैज़ फेदर ऑन स्किन तो ये एनिमल्स की कैटेगरीज हम लोगों ने इसको क्या किया था डिस्क्राइब किया था और डिफरेंट कैटेगरीज में इसको अरेंज करके रखा है हमने ठीक है टास्क आपको दिया गया था कि इन विच लिस्ट डू यू पुट द काउ एन बैफेलो को किसमें हम लिस्ट करेंगे तो कााओ बैफेलो में क्या होता है हेयर भी प्रेजेंट होता है और ईयर भी देखने को देखने को मिलता है आपको फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर्स ऑन देयर स्किन तो क्या हेयर्स आप डिस्टेंस के जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स पे क्या वो डिस्टेंस पे होते हैं तो ऐसा नहीं है हेयर्स बिल्कुल पास पास आपको देखने मिलेंगे ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम तो किसी एक एनिमल्स के पास आप जाओ और उसको हेयर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो आप ठीक है इफ़ यू वेर टू मीट एन एलीफेंट वुड यू डेयर टू टच इट नहीं देखो आप जाना लेकिन ऐसे एनिमल्स के पस मत जाना है कि जो काफ़ी डेंजरस हो तो आप कोशिश करना कि कैट है या डॉग है तो अब आप जो आपसे आपके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनके प्रिकॉशंस में यहाँ पर से इसको ऑब्जर्व करना ओके इफ़ यू वेर टू मीट एन एलिट एलिफेंट्स अगर आपने मीटअप किया यानी कि एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट एलिफेंट को आपने देखा है तो वुड यू डेयर टू टच इट क्या उसको टच करने की कोशिश की है आपने अगर आंसर आपका यस है तो यस लिखो आप नहीं तो नो नो लिखो आप अगर टच किया है तो यस अदरवाइज़ नो डू यू नो दैट एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर्स ऑन स्किन बिल्कुल हमें पता है हमने पहले भी देखा था जो लिस्ट बनाई थी उसमें एलिफेंट जो होता है उसकी बॉडी पे हेयर्स भी और हमें ईयर भी देखने को मिलता है ओके okay. अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैटेगरीज को द टू कैटेगरीज एक आपका होगा एग्लेन कैटेगरीज और दूसरा होगा बेबी बर्थ कैटेगरीज ओके थैंक यू क्लास होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन थैंक यू